हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मटेरियल रिएक्टेबल वर्जन 2 के लेजी डिटेल पैनल के बारे में। ठीक है, अब इसका बारे में समझेंगे कि लेजी डिटेल पैनल होता क्या है, इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं इसके एग्जाम्पल से ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए लेजी डिटेल पैनल, तो इसका जो नाम है ना, मतलब जो वर्ड है इस सब समझ सकते हैं। लेजी मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, लेजी किसको बोलते हैं? बोलते भाई ये बहुत लेजी पर्सन यार, लेजीनेस आ रहा है, मतलब आलसी। ठीक है, हिंदी में तो वही बोलते हैं ना आलसी। लेजी मतलब क्या होता है? आलसी होता है ना, कि भाई आलस आ रहा, नहीं आज काम करने का मन कर रहा है, ऐसा वाला कुछ। तो यहाँ पे क्या मतलब है, और ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा कि इसको हम लोग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे, यानी कि इंडस्ट्री लेवल एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत इसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अगर आप काम कर रहे हैं किसी जॉब सेक्टर में, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपको पता होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, कहने का मतलब कि हमारे पास डेटा है। ठीक है, अब डिटेल पैनल क्या होता है, मतलब जानती होंगे डिटेल पैनल, यानी इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो सकता है। मैं नहीं करूँगा क्योंकि फिर वो सारा जो सस्पेंस वो खत्म हो जाएगा। आपको पता है बहुत लोग ये है क्या, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो ये डिटेल पैनल क्लिक करने से ना ये ओपन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ओपन हो जाता है। बट बात ये है कि भाई इसका जो डेटा है ना, क्या होता है कि टेबल में हम लोग बहुत सारा डेटा रहता है ना, तो हम लोग सारा नहीं दिखाना चाहते हैं। मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ कि ये क्यों यूज़ करते हैं, फिर आपको दिखाऊंगा ये क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, टेबल में बहुत सारा डेटा हो सकता है ना भाई, बहुत सारा डेटा हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग सारा डेटा को एक टेबल में कैसे दिखाएंगे, फिर स्क्रॉल बार करते रहना पड़ेगा, ये मिलाते रहो ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना, तो हम लोग कुछ लिमिटेड डेटा दिखाएंगे और बाकी जो उसका डिटेल होगा ना, उसको डिटेल पैनल में दिखाएंगे। इसीलिए इसका नाम रखा गया डिटेल पैनल, क्योंकि उसमें डिटेल दिखाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सारा डेटा को लोड करने में भी थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। HTTPS मतलब जो भी प्रोटोकॉल है, HTTP के थ्रू जो जाता है रिक्वेस्ट, टाइम लगता है ना, ऑब्वियसली भाई हर एक टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि यूजर नेटवर्क कैसा नहीं है, तो वो भाई स्लो चलेगा ऐसा वैसा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार में सारा डेटा ना लोड करके सिर्फ रिक्वायरमेंट डेटा API से फेच करते हैं और बाकी जो डेटा ना उससे रिलेटेड डेटा उसको करते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पे आपको कुछ भी दिख रहा है, लेकिन मान लेते हैं ऐसा कुछ कि स्टूडेंट्स का डेटा है और हमको देखना है कि भाई स्टूडेंट्स का कितना फीस बकाया हर महीने का, तो क्लिक करेंगे और उसका मान के चलिए आप उसका फीस दिख जाएगा। तो दोनों डेटा को एक साथ क्यों लोड करेंगे, है ना, तो काफ़ी टाइम लगेगा। पहले इस डेटा को लोड कर लेंगे, जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो ये अलग से लोड होगा। तो ये होता है रियल वर्ल्ड में इंडस्ट्री लेवल पे काम। देखो यहाँ पे फेच हो रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, एक बार ना मैं इसको रिलोड करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ये होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग सारा डेटा एक बार में लोड नहीं करते हैं। ठीक है, मैं डेवलपर टूल्स ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे ना स्लो 3G किया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखो ये लोडिंग दिखेगा। आप यहाँ पे अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। यहाँ पे मान के चलो आप भाई स्केलेटन दिखा रहे हो इस तरीके से, एकदम भाई लहर रहा है इस तरीके, समझ रहे हो, कुछ भी दिखा दो भाई, अब भरमा रहा है क्रिएटिविटी, अब जो भी जिस तरह का चाहते हो। मैं एकदम सिंपल से सिंपल आपको दिखा दिया है ताकि आप समझ जाओ, बाकी आप अपना क्रिएटिविटी यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। मान के चलो वो लीनियर लोडिंग दिखा दो या फिर स्केलेटन दिखा दो, ऐसे ऐसे भाई एकदम पानी के साथ लहर मार रहा है, समझ रहे हो, एकदम भयानक टाइप से। ठीक है, तो जो आपको सही लगे। तो अब इसको क्या है कि एक बात ये भी कि इसमें कैचिंग हो जाता है ना, कैचिंग या कैशिंग जो भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि जैसे फिर से क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे जो है बहुत ही फास्ट ये खुलेगा, बहुत ही फास्ट। ठीक है, लोडिंग नहीं दिख रहा, देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड वाला में लोडिंग नहीं दिख रहा है, बहुत ही फास्ट खुल रहा है, जबकि मेरा स्लो 3G रखा हुआ है सेटिंग पे। लेकिन बाकी वाला ओपन करेंगे तो दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसका डेटा अभी तक लोड नहीं हुआ था फर्स्ट एक बार भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग SWR यूज़ कर रहे हैं। आप जो भी चाहे भाई रिएक्ट ऑटोडॉक का जो अपना मिलता है लोडर एक्शंस, वो यूज़ कर सकते हो, आप रिएक्ट क्वेरी यूज़ कर सकते हो, जो आपको मन करे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है कैसे इंप्लीमेंट करना। अगर आपको मेरे साथ सीखना है तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आप जो है डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इस ब्रांच पे आ जाएंगे, बेसिक टेबल ब्रांच पे, यानी इस पेज पे आ जाएंगे। आपको कोड पे क्लिक करना, डाउनलोड पे करना, इसको एक्सट्रैक्ट करना, npm इंस्टॉल, npm रन करना, तो उसके बाद जो एक बेसिक टेबल आपको दिख जाएगा। ठीक है, और अगर आपको फाइनल चाहिए तो ये रहा फाइनल कोड का लिंक। आपको सिंपली यहाँ पे लिखना लेजी, इस तरीके से लिखेंगे लेजी डिटेल पैनल आ जाएगा, इस पर क्लिक करके सेम प्रोसेस के थ्रू फाइनल कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो भाई मेरे ये रहा स्टार्टर कोड, जिसको कि हम मतलब हमने या फिर मैंने जो भी बोलो, ठीक है, ओपन कर लिया। यहाँ पे रन करते हैं npm रन dev। ठीक है, तो यहाँ पे ये रन करते हैं तो बेसिक जो है डेवलपमेंट सर्वर पे हमारा रन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये जो है भाई रन होने वाला, बस 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 हो गया रन। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं और ये हमारा ब्राउज़र पे ओपन हो गया। ठीक है, मतलब हो रहा है, वो हुआ नहीं अभी तक। तो भाई मेरे यहाँ पे ये आपको बेसिक टेबल दिख रहा है, कहीं भी डिटेल पैनल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग डेटा फेचिंग के लिए जो कि हमें लोडिंग वोडिंग दिखाना पड़ेगा ना, उसके लिए हम लोग यहाँ पे SWR को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, बाकी बाद में देखते रहेंगे कैसे क्या होगा नहीं होगा डिटेल पैनल। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो बनाया जो कि लेजी डिटेल पैनल नहीं है, नॉर्मली डिटेल पैनल कैसे काम करता है उसमें मैंने वीडियो बनाया, आप वो देख सकते हो अगर आपको बेसिक सीखना है। ठीक है, मतलब इसका एकदम बेस समझना है। तो यहाँ पे जाते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं npm इंस्टॉल SWR। ठीक है, इसको होने देते हैं, तब तक क्या करते हैं अपना ऐप JSX ओपन करते हैं और कॉलम के कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे जो है भाई कॉलम्स का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, इतना स्लो चल रहा है भाई। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे बेसिक यूज़ होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे जो है API में जाते हैं, एक फीचर फंक्शन बनाना पड़ता है, तो
उससे क्या होता है ना, कहाँ गया भाई फेचर फंक्शन, ये डेटा फेचिंग मिल जाएगा शायद। आप एक्सियस वगैरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नेटिव जो फेच ईपी है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरे को समझाना है ना एग्जांपल, बाकी तो अपना कर लोगे। आपको रिएक्ट क्वेरी यूज़ करना है या फिर आपको एसडब्ल्यूआर यूज़ करना है, जो भी यूज़ करना है, ठीक है, बहुत सारा कुछ मार्केट में है, ठीक है। ये एक बेसिक फेचर फंक्शन है जिसके थ्रू डेटा फेच किया जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से उठाता हूँ गेट स्टार्टेड से एक कॉम्पोनेंट जो है ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। आप अलग से कॉम्पोनेंट बना सकते हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ रहा हूँ ना, मैं आपको यहाँ पे बहुत जल्दी बाजी में दिखा रहा हूँ कि भाई देखो ये ऐसे होता है ऐसा, आप समझ जाओगे तो आप अपने स्ट्रक्चर में कर सकते हो, आपको समझना। तो कॉम्पोनेंट नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पर डिटेल पैनल, डिटेल पैनल क्यों डिटेल पैनल है, ठीक है, आपको जो लगे आप दे दो, स्टूडेंट डिटेल पैनल दे दो, जो भी दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यूज इस डब्ल्यू आर, इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट यूज इस डब्ल्यू आर फ्रॉम इस डब्ल्यू आर, इस तरीके से, ठीक है, ये हमने कर लिया, हमारा फेचर फंक्शन हो गया जो फेच करेगा डेटा को सिंपली। तो यहाँ ये वारल देना फेचर फंक्शन, ये रहा ये वाला जो हमने डिफाइन किया वेरिएबल में, ये जस्ट एक फेच एपीआई जो डेटा को फेच करके देगा, ठीक है। और हमें तीन चीज़ मिलेगा, ऐसा मिलता बहुत कुछ है, बट डेटा मिलेगा, एरर अगर होगा तो एरर, और लोडिंग हो रहा होगा ना तो पता भाई लोडिंग हो रहा, तो ये चेक कर रहा कि एरर है, हाँ भाई तो फेल टू लोड, नहीं भाई एरर है तुम्हारा, अगर लोडिंग हो रहा होगा सीधा लोडिंग दिखेगा, और नहीं तो फिर डेटा, ठीक है। ये बेसिक कंपोनेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं भाई रॉकेट साइंस, ठीक है। तो मैं अभी जेसन प्लेस होल्डर ओपन करता हूँ जहाँ से हम लोग फेक डेटा को फेच करेंगे, हालांकि कोई लिंक नहीं है हमारा ओरिजिनल डेटा से इससे, लेकिन हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कहीं ना कहीं इस डेटा का उस डेटा का कुछ लिंक है, ताकि आपको समझा सको अच्छे से, ठीक है। आपको गूगल में सर्च कर लेना जेसन प्लेस होल्डर भाई, सिंपल है। और यहाँ पर ना कोई भी डेटा का ले लेते हैं, जैसे कि मान लो यूज़र्स का ले लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि स्टूडेंट्स और यूज़र्स का कुछ कनेक्शन है, ऐसा मान के चलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया नहीं दिया कि स्टूडेंट और भाई फीस उसको देखना, तो कितना ड्यूज है, कितना महीना का पैसा बकाया है, वो सब कुछ, ठीक है, समझ गए होगे भाई, आप लोग स्मार्ट हो बहुत तो समझ गए होगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यूआरएल पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये रहा, ठीक है, बस हो गया भाई, सिंपल है। अब डेटा के ऊपर कौनसा लॉक करके देख लेते हैं, क्योंकि भाई ऐसा है ना कि जब तक कौनसा लॉक करते नहीं मन को तसल्ली मिलता नहीं कि नहीं भाई हुआ भी होगा या नहीं होगा। यहाँ पर लिखते हैं योर डेटा, और यहाँ पर जो है डेटा इस तरीके से कौनसा लॉक कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये हो जाने के बाद, ये तो जस्ट कॉम्पोनेंट है, तो इसको जस्ट अभी के लिए मान के चलो बस टेस्टिंग पर्पज के लिए, अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ, इस तरीके से देते हैं। तो यहाँ पे कुछ गलती भी होगी, डेटा डॉट नेम नहीं करते, क्योंकि डेटा में डेटा तो एरे है ना भाई, समझ रहे हो, वो तो एरे में आ रहा है ना, यहाँ पे रिस्पांस देखो ना इसका, ये जो एरे में आ रहा है ना डेटा, ठीक है, तो नेम कहाँ से होगा, जैसे यहाँ पे हेलो रहने देते हैं, ये तो हमारा टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है ना भाई, क्या मतलब है। रिलोड करते हैं एक बार, अब जहाँ तक लग रहा हमको कि एरे एरर आया होगा, हाँ ये चीज़ ना भाई पता, रुको रुको गलती मेरा ही है, यहाँ पे कैसे इम्पोर्ट, अच्छा डायरेक्ट इम्पोर्ट किया गया, मतलब कहने के उसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया गया होगा, इसीलिए हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते, हमें ऐसा लिखना होगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता तो हमें उस तरीके से कर्ली ब्रेसेस में लिखना पड़ता, ठीक है भाई, फाइन। इसको एक बार रिलोड करते हैं, और यहाँ पे नेटवर्क टैब में भाई मैं इसको रुक गया, इसको स्लो 3G से भी हटा देते हैं, क्योंकि अभी हमें भाई थोड़ी देखना लोडिंग वगैरह ये प्रोसेस, अभी तो बस हमें देखना है कि ये काम कर जाए बस, ठीक है। एक बार रिलोड करते हैं, देखना यहाँ पे हेलो लिखा हुआ रहा ना, थोड़ा देर के लिए लोडिंग दिखेगा यहाँ पे अभी, ठीक है, ये नहीं दिख रहा, टेंशन मतलब, क्योंकि बहुत ही फास्ट नेटवर्क जा रहा है ना भाई, इसीलिए, ठीक है, टेंशन मतलब, नेटवर्क को स्लो करेंगे तब हो जाएगा। तो एक्चुअल में कहने का मतलब ये जो चीज़ है ना, इसको हमें इसके अंदर डालना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि हमें यहाँ पे जो है ना ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आता है शायद रेंडर डिटेल पैनल ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कुछ, और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से फंक्शन कॉल करेंगे, और ये जो डिटेल पैनल हम लोग टेस्ट कर रहे थे इसको यहाँ पास कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और क्या है यहाँ पे जो ये फंक्शन कॉल की जो रिटर्न की डिटेल पैनल, अब यहाँ पे ना इसमें बहुत कुछ मतलब ऑब्जेक्ट मिलता है, इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ होता है, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें रो चाहिए, जो हर एक रो जा रहा है ना वो रो चाहिए, तो रो से आईडी निकाल लेंगे बस ये, क्योंकि नहीं रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ चाहिए होगा, क्योंकि भाई अरे भाई इससे अब डिटेल पैनल दिखा रहा हो तो कहीं ना कहीं इस डेटा से तो रिलेशन होगा ना, जो नेस्टेड मतलब जो डिटेल आएगा, ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे तो मैं समझाने के लिए ये डेटा ले रहा हूँ ना, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि इस डेटा का कुछ तो होगा, जैसे आईडी होगा जो अगले डेटा के साथ कनेक्शन बनाता होगा फॉरन की जैसा, एसक्यूएल में जैसा कुछ होता है, कुछ तो होगा है ना, तो थोड़ा सा रियल भी रहने देते हैं, तो रो में रो पास कर देते हैं एज अ रो प्रॉप डिटेल पैनल में। अब डिटेल पैनल में रो को हम लोग जो है डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे, ठीक है, और आइडियाज का यूज़ कर लेंगे, तो फिलहाल के लिए इतना रहने देते हैं, कुछ हमने किया नहीं यूज़, तो इस तरीके से। अब इसको अगर ओपन करेंगे तो हेलो लिखा हुआ आएगा, जिसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है, अब हेलो आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे हेलो रिटर्न कराया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लोडिंग और भाई एरर का ख्याल रखते हैं थोड़ा अच्छे से, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, एरर के लिए अलर्ट कंपोनेंट ले लेते हैं, और लोडिंग के लिए सर्कुलर प्रोग्रेस, लीनियर प्रोग्रेस भी ले सकते हैं, जो आपको सही लगे, मैंने पहले बोल दिया, ठीक है। स्टैक भी ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे जो है लोडिंग का
लोडिंग यहाँ रिटर्न कर देते हैं जस्ट सर्कुलर प्रोग्रेस, सर्कुलर प्रोग्रेस इस तरीके से। और एरर अगर होगा तो मैं फिर पेस्ट कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट ओरिजिनल कोड से भाई सिंपली, तो सिंपली अलर्ट कंपोनेंट जो कि बताएगा कि एरर है वगैरह वगैरह, ठीक है। आप जाहिर डिटेल में एरर को भी शो कर सकते हो, ये हो गया और सही हो गया। तो सिंपली अगर काम कर गया तो मान के चलो डेटा तो एरर में आ रहा है फिलहाल के लिए, क्योंकि हम लोग टेस्टिंग अभी भी कर रहे हैं, तो हम लोग डेटा डॉट लेंथ दिखा सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। इसको सेव करते हैं और ये 10th आ रहा है क्योंकि डॉट टोटल 10 डेटा है, ठीक है। अब इसको डेवलपर टूल्स ओपन करते हैं, नेटवर्क में जाकर करते हैं स्लो 3G, ठीक है। अब किसी को ओपन करेंगे ना तो अभी तो फिलहाल ये चीज़ नहीं हो रहा क्योंकि डेटा फेच हो चुका है, तो इसको जो है नो थ्रोटलिंग करते हैं, एक बार रिलोड कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। एक बार डेटा रिलोड हो जाए, ठीक है, तो एक्चुअल में देखा जाए रियल लोड में तो अभी यही डेटा लोड हुआ, अंदर का जो नेस्टेड डेटा है मतलब जो डिटेल पैनल है वो लोड नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं स्लो 3G कर देते हैं और इसमें दीपाली मरर में करते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है लोडिंग तो नहीं दिखा, देखते हैं क्या सीन है, ऐसा क्यों हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, समझ गया भाई, समझ गया क्या इशू है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है रुक जाओ भाई रुक जाओ, ये क्या हो रहा है भाई, रिटर्न सर्कुलर प्रोसेस कोमा कैसा आ गया भाई, ये क्या हो रहा है, रुक जाओ यार। रिटर्न ये था, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, अगर ये होता तो ये रिटर्न करो। अच्छा मैंने यहाँ पे ये देना था, ठीक है, हाँ अब सही है शायद, देखते हैं, रुक जाओ भाई देखते हैं क्या हो रहा है। ये तो बहुत छोटा मोटा चीज़ ऐसा तो है नहीं, बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, देखते हैं। फिर स्लो 3G करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखो आ गया। तो इस तरीके से आ रहा था, अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, अच्छा खासा यहाँ दिखा दो भाई, स्केलेटन दिखा दो, एकदम पानी का जैसा लहर मार रहा है एकदम इस तरीके से, ठीक है, मस्त लगेगा देखने में। तो ये हो गया, अब इसको थोड़ा रियल वर्ल्ड में आते हैं, ठीक है। तो मैं ना कुछ यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्टैक कंपोनेंट दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे टाइपोग्राफी दे देता हूँ, बस हो गया भाई। टाइपोग्राफी मान लो कि क्या क्या है इस पर देख लेते हैं, यहाँ पे मान के चलो कंपनी वेबसाइट फ़ोन, ठीक है, दिखाते हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पे दिखाते हैं बोलने से तो नहीं होगा, रुको रुको मैं यहाँ पे पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फ़ोन, आपको समझाऊँगा अच्छे से, ठीक है, 1 2 3 4 कंपनी, उसके बाद मान लो वेबसाइट, और उसके बाद जो है और क्या है, चार चीज़ दिखाते हैं, ईमेल दिखाते हैं, ठीक है। तो अब है ना ये एरे में डेटा यूज़ ला रहा है, लेकिन हमें तो स्पेसिफिक चाहिए ना कि भाई जिस पे क्लिक किया गया हो उसका डेटा चाहिए, दीपाली मरर का, सबका थोड़ी चाहिए भाई, एरे में आ रहा है, तो कंसोल अप करके देख सकते हो ये एरे में आ रहा है। तो रो हम लोग क्यों ले रहे थे, उसमें से आईडी निकालने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे बैकटिक्स देंगे, ठीक है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में भी कुछ इसी तरीके से होगा। तो स्लैश और फिर हम लोग डॉलर सिंबल कर्ली ब्रेसेस देंगे। अब यहाँ पे लिमिटेड है भाई, यहाँ पे 10 ही है, 10 ही आइटम है, क्योंकि फेक जैसन डमी है, बट आपके केस में रियल होगा कि भाई जो आईडी जा रहा है फॉरेन किसी मैच करके उसी का आएगा, समझ रहे हो, ऐसा कुछ होगा आपके केस में। तो हम लोग यहाँ पे खैर हमें वैसा कोई इशू नहीं, हम तो समझ चुके ना कि क्या मैटर है। तो रो डॉट आईडी लिखते हैं, अब वो भाई टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू से, मतलब वो नंबर बन गया, ठीक है। और हमेशा जो है इसका ना, इसका आईडी हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं, रो डॉट आईडी हमें 0 मिलता है। तो एक्चुअल में जो है मैं यहाँ पे +1 कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं होगा, आपके केस में हो सकता है कि रो से काम ना चले आपके केस में, ठीक है, आप उसको, क्योंकि यहाँ देख लो, यहाँ पे एक बार कंसोल लॉग करके देख लेना कहाँ गया, रेंडर में इस ऑब्जेक्ट को देख लेना क्या क्या मिल रहा है, तो उसमें से आपको एक्चुअल में अगर आप MongoDB यूज़ करो तो कहीं ना कहीं उस डेटा का आपको आईडी निकालना होगा, है ना, sale.id या row.id, आप कौन से लॉग करके देख लो इस पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कि क्या आ रहा है, और फिर उसको पास करा दो, और यहाँ से उसको एक्सेस करके आईडी ले लो या फिर उसका रेफरेंस कुछ नंबर जिसके थ्रू आप नया डेटा को फेच करने वाले हो, तो ईजिली कर सकते हो आप, कोई यहाँ बहुत बड़ा नहीं, यहाँ पे फेक चीज़ है, बट आप समझ जाओगे रियल में कैसे करना है। तो ये हो गया, तो अब स्पेसिफिक चीज़ें को ये देगा, तो फिर ये एरे नहीं ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो हम लोग लिखेंगे data.phone data.company.name, ठीक, वेबसाइट का जो बनेगा भाई तो वो बनेगा क्या बनेगा, data.website, और एक ईमेल है तो data.email, ठीक है ना, यहाँ पे ईमेल डायरेक्ट है तो data.email, इसको सेव करते हैं और देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये रिफ्रेश कर लिया ना, क्योंकि SWR में जब आप रिएक्टिव होते हो ना टैब में तो फिर से वो रिफ्रेश करता है, तो काफ़ी खूबसूरत चीज़ है। और कैशिंग का भी इसमें है, तो जैसे इस पर क्लिक किए तो ये लोड दे रहा है और फिर ये दिखा रहा है, ठीक है। अब इसको बंद कर देंगे तो यहाँ पे जो है ये बंद हो जाएगा, इस पर भी बंद करेंगे तो ऑब्वियसली बंद हो जाएगा, बट बहुत फास्ट खुलेगा, जैसे इस बार करेंगे तो ये लोड नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखाएगा कि भाई लोड हो रहा है, तो क्योंकि ये कैशिंग का इसका होता है। और इस तरीके से आप डिटेल पैनल, मतलब लेजी डिटेल पैनल दिखा सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ भाई मेरे आप समझ गए होंगे कि लेजी डिटेल पैनल होता क्या है, इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो अपने क्वेश्चंस,
या तो फिर हम इंस्टाग्राम पे @ तूफानी कोडर में मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।